शिक्षा के विषय में प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत गद्य भारती खंड के विश्व कवि रविन्द्र शीर्षक पाठ पर उद्धृत है। इसमें विश्व के कवि रविन्द्र की शिक्षा के विषय में व्यक्त किया गया है। रविन्द्र से प्राथमिकी शिक्षा गृहे एव जाता। रविन्द्र से प्राथमिकी शिक्षा, रविन्द्र की प्रारंभिक शिक्षा गृहे एव जाता, घर में ही हुई। रविन्द्र की प्रारंभिक शिक्षा घर में ही हुई। शिक्षणम बंग भाषायाम प्रारंभ। शिक्षा कार्य बंगला भाषा में शुरू। प्रारंभिकम विज्ञानम संस्कृतम गणितम इति त्रयो पाठ्य विषया भवन। प्रारंभिक विज्ञान संस्कृत गणित इति त्रयो, ऐसे तीन पाठ्य विषया भवन पढ़ने के विषय हुए। प्रारंभिक विज्ञान संस्कृत गणित ऐसे ये तीन पढ़ने के विषय हुए। प्रारंभिक गृह शिक्षायाम समाप्तायाम बालका। प्रारंभिक गृह शिक्षा को समाप्त करके बालक उत्तर कलकाता नगरस्य, उत्तर कोलकाता नगर के ओरिएंटल सेमिनार विद्यालय, ओरिएंटल सेमिनार विद्यालय में प्रवेशम अलभत, प्रवेश प्राप्त किया। प्रारंभिक गृह शिक्षा समाप्त करके बालक ने उत्तर कोलकाता नगर के ओरिएंटल सेमिनार विद्यालय में प्रवेश प्राप्त किया। तदनंतरम नार्मल विद्यालयम गतवान। तदनंतरम उसके उपरांत नार्मल विद्यालयम, नार्मल विद्यालय को गतवान गए। परम कुत्रापि मनो न रमते अस्म। परम लेकिन कुत्रापि कहीं भी मनो न रमते अस्म, मन नहीं लगता था। उसके उपरांत नार्मल विद्यालय को गए लेकिन कहीं भी मन नहीं लगता था। सर्वत्र अध्यापका नाम स्वेच्छाचरणम। सर्वत्र सभी जगह अध्यापका नाम अध्यापकों की स्वेच्छाचरणम स्वतंत्र आचरण। सहपाठी नाम तुच्छा रुचि, साथ पढ़ने वालों की तुच्छ रुचि। अप्रियान स्वभावान च विलोक्य, और अप्रिय स्वभाव को देख करके मनो नरे में मन नहीं लगा। सभी जगह अध्यापकों के स्वतंत्र आचरण, सहपाठियों की तुच्छ रुचि और अप्रिय स्वभाव देखकर मन नहीं लगा। अतः शून्यायाम घटकायाम मध्यावकाशो अपि, अतः रिक्त घंटे में और मध्यावकाश में भी एकांतिकम जीवनम बालकाय रोचते अस्म, एकांतमय जीवन बालक को अच्छा लगता था। बालकस्य मनः, बालक का मन विद्यालयेषु न रमते, विद्यालयों में नहीं लगता, इति विचिन्त्य, ऐसा सोचकर जनको देवेंद्रनाथ, पिता देवेंद्रनाथ, तिहत्तर अधिक अष्टादश सप्तमे ख्रीस्ताब्दे 1800 ईस्वी वर्ष में, तो 1873 ईस्वी वर्ष में सुनो उपनयन संस्कारम विधाय, पुत्र का उपनयन संस्कार करके तम स्वेन सार्धमेव, उसको अपने साथ ही हिमालयम अनयत, हिमालय क्षेत्र को ले गए। तत्र पितुः संपर्केण, वहाँ पिता के संपर्क से
बालकस्य मनः स्वच्छतामभिजम्। बालक का मन स्वच्छंद हो गया, स्वतंत्र हो गया। तत्रत्यस्य भवनस्य पृष्ठभागे, वहां के घर के पीछे की ओर हिमाच्छादिता पर्वत श्रेणिया आसन, बर्फ से ढकी हुई पर्वतीय चोटियां थी। भवनाभिमुखम शोभनानि सुस्वाद बलानि क्षेत्राणि राजन्ते। इसमें घर के सामने सुंदर फसलों के खेत सुशोभित होते थे। अत्रत्यम प्राकृतिकम जीवनम बालकस्य मनो नितरामरमत। अत्रत्यम प्राकृतिकम जीवनम, यहाँ का प्राकृतिक जीवन बालकस्य मनो नितरामरमत, बालक के मन को अत्यधिक अच्छा लगा। यहाँ का प्राकृतिक जीवन बालक के मन को अत्यधिक अच्छा लगा। जनको देवेंद्रनाथा पिता देवेंद्रनाथ, जनको देवेंद्रनाथा पिता देवेंद्रनाथ प्रतिदिवसम नवीनया प्रद्धत्या, प्रत्येक दिन नई शैली से पाठयति स्म, पढ़ाते थे। पिता देवेंद्रनाथ प्रतिदिन नई शैली से पढ़ाते थे। पितु पाठन शैली बालकाय रोचते स्म, पिता की पढ़ाने की शैली बालक को अच्छी लगती थी। कालांतरम हिमालयात प्रतिनिवित्य, कालांतरम समय बीतने पर हिमालयात हिमालय क्षेत्र से प्रतिनिवित्य लौट करके पुनः पुनः फिर से विद्यालयीयाम शिक्षाम लेभे, विद्यालय की शिक्षा प्राप्त करने लगे। समय बीतने पर हिमालय क्षेत्र से लौट कर फिर से विद्यालय की शिक्षा प्राप्त करने लगे। सत दस वर्ष देशियो लगभग 17 वर्ष के रविन्द्रनाथा रविन्द्रनाथ अष्ट सप्तति अधिक 78 अधिक 18 सप्तमिक ईस्वी आब्दे 1800 ईस्वी वर्ष में सितंबर मासे सितंबर महीने में भ्रात्रा न्यायाधीशेन सत्रेन्द्रनाथेन सार्धम, भाई न्यायाधीश सत्येंद्रनाथ के साथ विधि शास्त्र अध्येतुं कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन नगरम गतमान, लंदन नगर को गए। लगभग 17 वर्ष की अवस्था में रविन्द्रनाथ 1878 ईस्वी वर्ष में सितंबर महीने में भाई न्यायाधीश सत्येंद्रनाथ के साथ कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए या विधि शास्त्र का अध्ययन करने के लिए लंदन नगर को गए। दैवोगात रविन्द्रस्य वैरिस्टर पदवी पूर्णताम नागत नागत। दैवोगात दुर्भाग्य से रविन्द्रस्य वैरिस्टर पदवी, रविन्द्र के वैरिस्टर की उपाधि पूर्णताम नागत, पूर्ण नहीं हुई। दुर्भाग्य से रविन्द्र की वैरिस्टर की उपाधि पूर्ण नहीं हुई। सह पितु आज्ञया भ्रात्रा सत्येंद्रनाथेन साकम्, वह पिता की आज्ञा से भाई सत्येंद्रनाथ के साथ 1880 ईस्वी वर्ष में फरवरी मासे फरवरी महीने में लंदन नगरात लंदन नगर से कलकाता नगरम आया था, कोलकाता नगर को आए। वह पिता की आज्ञा से भाई सत्येंद्रनाथ के साथ 1880 ईस्वी वर्ष में फरवरी महीने में लंदन नगर से कोलकाता नगर को आए। इंग्लैंड देशस्य वर्षद्वयावासे, इंग्लैंड देश के
दो वर्ष के आवास में पाश्चात्य संगीतस्य पाश्चात्य संगीत का सम्यक परिचय तेन लब्धः। क्रमबद्ध परिचय उनके द्वारा प्राप्त किया गया। इंग्लैंड देश के दो वर्ष के आवास में पाश्चात्य संगीत का क्रमबद्ध परिचय उनके द्वारा प्राप्त किया गया। विश्व कवि रविंद्र पाठ में स्थित साहित्यिक प्रतिभा विकास प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत गद्य खंड में विश्व कवि ही रविंद्र शीर्षक पाठ पर उद्धृत है। इसमें विश्व कवि रविंद्र की साहित्यिक प्रतिभा के विषय में व्यक्त किया गया। हिंदी अनुवाद। रविंद्र से साहित्यिक रचनायाम नैसर्गिकी नव उन्मेष शालिनी प्रतिभा तु प्रधान कारणम आसीत। रविंद्र की साहित्यिक रचनाओं में स्वाभाविक नए नए विचारों की अभिव्यक्त करने वाली प्रतिभा तो प्रमुख कारण था ही। परम तत्त्वतः पारिवारिक परिस्थिति अपि, लेकिन वहाँ पर पारिवारिक परिस्थिति भी विशिष्टम कारणम अभूत, विशिष्ट कारण हो। यथा जैसे गृहे प्रतिदिनम साहित्यिकम वातावरणम, घर में प्रतिदिन साहित्यिक वातावरण, कला साधना या गतिविधियाँ, कला साधना की गतिविधियाँ, नाटकानाम मंचनानि, नाटकों के मंचन, संगीत गोष्ठियाँ, संगीत की गोष्ठियाँ, चित्रकला नाम प्रदर्शनानि, चित्रकलाओं के प्रदर्शन, देश सेवा कर्माणि सदैव भवन्ति अस्मि, देश सेवा के कार्य सदैव होते थे। किशोरावस्थायाम रविंद्र, किशोरावस्था में ही रविंद्र अनेकाः कथाः निबंधाश्च लिखित्वा, अनेक कहानियाँ और निबंध लिखकर पारिवारिक पत्रिकाशु, पारिवारिक पत्रिकाओं, भारतीय साधना तत्वबोधिनीषु, भारतीय साधना तत्वबोधिनी में मुद्रित करवाते थे। किशोरावस्था में ही रविंद्र अनेक कथाएं और निबंध लिखकर पारिवारिक पत्रिकाओं, भारतीय साधना तत्वबोधिनी में मुद्रित करवाते थे। तेन च शैशव संगीतम, सांध संगीतम, प्रभात संगीतम और उनके द्वारा शैशव संगीत, सांध संगीत, प्रभात संगीत, नाटकेषु नाटकों में रुद्रचंडम रुद्रचंड, वाल्मीकि प्रतिभागिनी इति नाट्यम, वाल्मीकि प्रतिभागिनी ऐसे नाटक, विसर्जनम, राजर्षि चोखेरवाली, चित्रांगदा कौड़ी ओकमल, गीतांजलि इत्यादि बहवा ग्रंथा विरचिता, गीतांजलि इत्यादि बहुत से ग्रंथ लिखे। तो नाटकों में रुद्रचंड, वाल्मीकि प्रतिभागी ऐसे नाटक, विसर्जन, राजर्षि चोखेरवाली, चित्रांगदा, कौड़ी ओकमल, गीतांजलि इत्यादि बहुत से ग्रंथ लिखे। गीतांजलि वैदेशिकी नोबेल पुरस्कारेण पुरस्कृतस्य, गीतांजलि विदेशियों के द्वारा नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत की गई एवं बहुन प्रशस्तानि पुस्तकानि, इस प्रकार बहुत सी श्रेष्ठ पुस्तकें बंग साहित्याय प्रदत्तानि, बंगला साहित्य को दी गई। कवींद्र रविंद्रस्य प्रतिभा, कवियों में श्रेष्ठ रविंद्र की प्रतिभा, कथासु कवितासु नाटकेषु उपन्यासेषु निबंधेषु समान रूपेण उत्कृष्टा दृश्यते। कवियों में श्रेष्ठ रविंद्र की प्रतिभा,
कथाओं में, कविताओं में, नाटकों में, उपन्यासों में, निबंधों में समान रूप से उच्च कोटि की दिखाई देती है। सत्यमेव सत्य ही है, गीतांजलि चित्रांगदा कला दृष्टया महाकवि उभे अभिरचने वैशिष्ट्यम आवहता। सत्य ही है, गीतांजलि चित्रांगदा कला की दृष्टि से महाकवि की दोनों रचनाएं विशिष्ट स्थान रखती है। दो अधिक त्रिंशदिक एकोनविंशे सप्तमी ईस्वी आब्दे महात्मा गांधी पुणे कारागारे और उत्था आशी। दो अधिक त्रिंशत अधिक तीस से अधिक एकोनविंशे सप्तमी ईस्वी आब्दे एक नहीं 2000 ईस्वी वर्ष में, मतलब 1932 ईस्वी वर्ष में महात्मा गांधी पुणे कारागारे और उत्था आशी पुणे के जेल में बंद किए गए थे। ब्रिटिश शासकाल सूचित जातिया नाम सवर्ण हिंदू जातीय पृथक निर्वाचनाय प्रतिशीलाश। अंग्रेज शासक अनुसूचित जातियों सवर्ण हिंदू जातियों से अलग चुनाव के लिए प्रयत्नशील थे। अंग्रेज शासक अनुसूचित जातियों का सवर्ण हिंदू जातियों से अलग चुनाव के लिए प्रयत्नशील थे। यस्य स्पष्टम उद्देश्यम हिंदू जातिया नाम परस्परम विभाजनम आसीत्, जिसका स्पष्ट उद्देश्य हिंदू जातियों का आपस में विभाजन था। बहु विरोध कृते अपि ब्रिटिश शासक शांति न लेभिरे, बहुत विरोध किए जाने पर भी अंग्रेज शासक शांति नहीं प्राप्त किए। विभाजयितुं च प्रत्मानाय आसन् और बंटवारा करने के लिए प्रयत्नशील ही थे। तदा महात्मा गांधी हिंदू जातीयेषु ऐक्यम् स्थापयितुं, तब महात्मा गांधी हिंदू जातियों में ऐक्यम स्थापयितुं एकता स्थापित करने के लिए कारागारे आमरणम अनशनम प्रारंभ, जेल में आमरण अनशन शुरू किया। तब महात्मा गांधी हिंदू जातियों में एकता की स्थापना के लिए जेल में आमरण अनशन शुरू किया। गुरुदेव से रवीन्द्रनाथ से चानुमोदनम अच्छत और गुरुदेव रवीन्द्रनाथ का अनुमोदन चाहते थे, संस्तुति चाहते थे। यतः च महात्मा गांधी गुरुदेव से रवीन्द्र से केवलम आदरम एव न करो, क्योंकि महात्मा गांधी गुरुदेव रवीन्द्र का केवल आदर ही नहीं करते थे अपितु यथा कालम बल्कि उपयुक्त समय पर समीचीन सम्मत्ये उपयुक्त विचार के लिए मुखम अपि इच्छते अस्मै, मुख भी देखा करते थे। महात्मा एनम कविन्द्रम रवीन्द्रम गुरु ममन्यत, महात्मा गांधी इन कवियों में श्रेष्ठ रवीन्द्र को गुरु मानते। रवीन्द्रनाथ तंत्रीपत्रे भारतस्य एकतायै सामाजिक अखण्डतायै रवीन्द्रनाथ तारपत्र में भारतस्य एकतायै भारत की एकता के लिए, भारतस्य एकतायै भारत की एकता के लिए सामाजिक अखंडता ऐचा और सामाजिक अखंडता के लिए अमूल्यम जीवनस्य बलिदानम सर्वथा समीचीनम, अमूल्य जीवन का बलिदान सभी प्रकार से उपयुक्त है। परम जनाह दारुणाया विपदे, लेकिन लोगों को कष्टकारी विपत्ति में गांधीना जीवनम अभिरक्षेयु, गांधी के जीवन की रक्षा करनी चाहिए,
इति लिखित्वा प्रत्युत्तरत्, ऐसा लिखकर उत्तर दिया। रवींद्रनाथ तार पत्र में भारत की एकता और सामाजिक अखंडता के लिए अमूल्य जीवन का बलिदान सभी प्रकार से उपयुक्त है, लेकिन लोगों को कष्टकारी विपत्ति में गांधी के जीवन की रक्षा करनी चाहिए, ऐसा लिखकर उत्तर दिया। रवींद्र आमरणस्य अनशनस्य समर्थनमेव न कृतवान्, रवींद्र आमरण अनशन का समर्थन ही नहीं किए अपितु प्राय वेशने प्रारब्धे, बल्कि उपवास के प्रारंभ होने पर पूरे कारागारम चागतवान, पूरे जेल को गए। एवं बहुअधिकम गरिमा मंडितम साहित्यिकम सामाजिकम, इस प्रकार से अनेक रूपों में गरिमा से सुशोभित साहित्यिक सामाजिक दार्शनिकम लोकतंत्रज्ञम जीवनम, दार्शनिक लोकतांत्रिक जीवन, तस्य काव्यम यु मनोहारी, उनके काव्य के समान सुंदर, सर्वेभ्य कल्याणकारी, सभी के लिए कल्याणकारी, प्रेरणादायी चापू और प्रेरणा देने वाला। इस प्रकार अनेक रूपों में गरिमा से सुशोभित साहित्यिक सामाजिक दार्शनिक लोकतांत्रिक जीवन, उनके काव्य के समान सुंदर, सभी के लिए कल्याणकारी और प्रेरणादायी भी हुआ। एक चत्वारिंशत एकोनविंशे सप्तमे ईस्वी आब्दे अगस्त मासस्य सप्तमे दिनांके रवींद्रस्य पार्थिवम शरीरम वैश्वानरम प्राप्स्यते। एक चत्वारिंशत अधिक एकोनविंशे 1941 ईस्वी वर्ष में अगस्त मासस्य सप्तमे दिनांके अगस्त महीने की 7वीं तारीख को रवींद्रस्य पार्थिवम शरीरम, रवींद्र का पार्थिव शरीर वैश्वानरम प्राविशत, अग्नि को समर्पित किया गया। अद्यात गुरुदेवस्य रवींद्रस्य वाक्, आज भी गुरुदेव रवींद्र की वाणी काव्य रूपेण अस्माकं समक्षम, काव्य के रूप में हमारे सामने श्रोतश्विनी युव सत्यम प्रवाहतीय, नदी के समान लगातार प्रवाहित हो रही है। अधुना करालस्य कालस्य करो अपि, आधुनिक समय में भी कठोर समय के हाथ भी वाचम मुखी कर तुम ना सकत, वाणी को शांत नहीं कर सके। जयंते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरा नास्ति एषां यशः काये जरा मणजम भय। कवीश्वरा कवियों में श्रेष्ठ, रस सिद्ध यशस्वी, उन कवियों में श्रेष्ठ रवींद्र की जय हो। येषां यशः काये, जिनके यश रूपी शरीर पर जरा मरणजम भयम नास्ति, वृद्धा अवस्था और मृत्यु का भय नहीं है।